टायर चेक कर रहा हूँ, मतलब टायर का डेट आता है, टायर कंडीशन क्या है, कौन सी एरिया है, वो सब मैं चेक करूँगा। कोई पंचर वगैरह है क्या, कंडीशन कोई हार्ड हुआ है क्या, क्रैक हुआ है क्या, और डेप्थ कितना है, अभी कितना टायर चल सकता है, वो अभी मैं चेक करूँगा। ये वो क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये टायर डेप्थ गेज है, डेप्थ गेज। हाँ, डेप्थ गेज। यहाँ जो ये रहता है ना, डेप्थ रहता है इसका, तो टायर का डेप्थ कितना है ना, वो हमसे हमें इस मेजरमेंट से पता चलेगा। ओके, और नॉर्मल रेंज क्या होता है उसका? अभी ये तो नॉर्मल टायर है, तो जैसे कि बड़े टायर होते हैं उसका अलग रहता है, वो 80 में आता है वो। ये नॉर्मल टायर है तो इसका 95 और 100% टायर रहता है। जो नया टायर है तो 100% रहता है। अभी ये पुराना टायर है, मतलब चल चुका है, तो अभी ये टायर है 6.2। तो अभी टायर मैंने ये किया है, ठीक किया, तो ये 70% टायर है अभी तक। ओके ओके, कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितना परसेंट होने के बाद वो चेंज करना पड़ता है? 2.4 के नीचे आता है ना जब टायर का डेप, तो टाइम पे चेंज करना पड़ता है। बट कभी कभी नया टायर भी होता है ना, तो कंडीशन चेक करना पड़ता है। टायर कभी गाड़ी खड़ी रहती है तो उसकी वजह से भी हार्ड होता है, क्रैक भी होता है, तो वो टाइम भी चेंज करना पड़ता है। तो 2.4 इज मिनिमम रेंज, उसके नीचे अपने को चेंज करना ही है। तो दोस्तों, एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपका टायर का जो डेप्थ है वो 2.4 mm के नीचे है, तो यू हैव टू चेंज योर टायर। सो मेरा जो परसेंटेज था गाड़ी का, वो है 71% टायर डेप्थ गेज। ओके, इससे ये हमने चेक किया था। सो बेस्ड ऑन दैट हमें पता चला कि हमारी गाड़ी का टायर परफेक्ट है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक एनी वेयर, और यू कैन बाय दैट इंस्ट्रूमेंट एज वेल।